नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में डिस्क का बेसिक आर्किटेक्चर आपसे डिस्कस किया था और थोड़ा सा लॉजिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, डिस्क शेड्यूलिंग का क्या मायने है। तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहां बात करूंगा आपसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। तो पहले समझेंगे क्या कंसेप्ट है, क्या अप्रोच है, किस ऑर्डर में ये FCFS जो एल्गोरिदम है ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करता है, और फिर सीखने वाले हैं दोस्तों कि FCFS अगर हम यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। तो इसका मतलब लगभग सभी कुछ दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं FCFS एल्गोरिथम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। वैसे तो देखिए, नाम से सब कुछ समझ आता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS, यानी कि जो पहले रिक्वेस्ट करेगा दोस्तों उसकी रिक्वेस्ट जो है, जो हमारा रीड राइट हेड है, वो पहले सेटिस्फाई करने वाला है। तो अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, FCFS स्टैंड फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और इट इज अ सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बिकॉज इससे सिंपल अप्रोच कुछ हो नहीं सकती कि आपने एक सिंपल क्यू एक लाइन लगाई हुई है और जिस ऑर्डर में दोस्तों रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हम रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिक्वेस्ट आर एंटरटेन्ड इन ऑर्डर दे अराइव, यानी कि एंटर द डिवाइस क्यू या डिस्क क्यू। तो जाहिर सी बात है कि जिस ऑर्डर में भी वो क्यू में आके खड़े हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, उसी ऑर्डर में दोस्तों हम उसको रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं और फिर समझेंगे कि ऐसा करने के क्या-क्या एडवांटेजेस हमको मिलेंगे या क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। यहां पर एक दोस्तों रिक्वेस्ट यहां पर बहुत सारी मैंने लिखी हुई है। तो देखिए, ये है 98, 183, 41, 122, 14, 124, 60, 5 और 67। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगेन कुछ लोग कंफ्यूज ना हो तो एक बार दोबारा देखिए, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है डिस्क का। तो मान लीजिए ये हेड है मेरे पास, है ना, ये रीड राइट हेड हमारे पास है और दोस्तों ये ट्रैक्स के नंबर हैं। तो जैसे हम जानते हैं डिस्क जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या ट्रैक्स में जो है डिवाइडेड रहती है। तो ट्रैक को दोस्तों नंबर किया गया 0 से लेकर 199 तक और जैसे लिखा हुआ है 98। तो इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस चाह रहा है कि उसको कुछ डेटा चाहिए, इनपुट आउटपुट कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है और उसके लिए उसको ट्रैक नंबर 98 पे जाना पड़ेगा। कोई दूसरा प्रोसेस है 183। तो ये एक्चुअली दोस्तों ट्रैक नंबर है ना, एक रिक्वेस्ट वेक्टर यहां पे पूरा लिखा हुआ है जो बोल रहा है कि अलग अलग रिक्वेस्ट है अलग अलग ट्रैक्स के लिए जो हमको सेटिस्फाई करनी है। हर क्वेश्चन में देखिए आपको इनिशियली पता होना चाहिए कि हेडर कहां पे है, है ना। तो हेड जो है देखिए, रीड राइट हेड इज इनिशियली एट 53, ये देखिए हमने ज्यूम कर लिया है और उसका ये देखिए थोड़ा सा एलोबरेटेड डायग्राम यहां मैंने बनाने की कोशिश की है, पहले से बना के रखा ताकि ज्यादा टाइम हमारा यहां पे वेस्ट ना हो। तो अब देखिएगा किस ऑर्डर में सेटिस्फाई होगा। तो आइडिया बहुत सिंपल है कि भाई जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट लिखी हुई है, यानी कि वो उसी ऑर्डर में अराइव हुए होंगे, ठीक उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट को हम सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो देखिए, ये पहले से हमको पता है कि हेडर इनिशियली है ट्रैक नंबर 53 पे। तो पहला रिक्वेस्ट है दोस्तों 98 पे। तो पहले देखिए ट्रैक 53 से हमारा हेडर जो है या हेड जो है वो मूव करके पहुंचेगा 98 पे और बाद में ऑफ कोर्स हमको कैलकुलेट करने होंगे कितने टोटल मूवमेंट्स या कितनी बार हमने सीक मूवमेंट किया या ट्रैक मूवमेंट्स किया। तो देखो दोस्तों, कैलकुलेट करते रहते, तो पहला मूवमेंट हमारे 45 हमको मूव करने पड़ेंगे बिकॉज 53 से आप पहुंचे हैं 98 पे। तो 98 - 53। सिमिलरली देखिए, फर्स्ट रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होने के बाद अगला रिक्वेस्ट आ जाता है आपका 183 पे। तो ऑफ कोर्स 98 से दोस्तों जाना होगा 183, तो कुछ और मूव्स लगेंगे, वो कैलकुलेशन में लिखा हुआ है। तो 183 - 98, तो 85 और मूव करने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से सीक्वेंस अब आपको समझ आ रही होगी। बस जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट है उसी ऑर्डर में दोस्तों हेड मूव करता रहेगा और तब तक हम ये काम करते रहेंगे जब तक सारी की सारी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ऐसा करने से टोटल यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल 632 मूवमेंट दोस्तों हमको करने पड़ेंगे। ये एक अप्रोच है, ये एक आइडिया। तो पहले समझ लेना है FCFS क्या है। तो बहुत सिंपल बात है भाई, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आता है उसी ऑर्डर में हमको सेटिस्फाई करना है। अच्छा, CPU शेड्यूलिंग की तरह यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे वहाँ पे हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं या फिर टर्न अराउंड टाइम, इस तरह का कोई कैलकुलेशन या नहीं निकालना होता। वर्स्ट केस में आपसे यही पूछेंगे कि बताइए टोटल कितने सीक मूवमेंट्स हुए, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। सीक मूवमेंट
मूवमेंट्स या ट्रैक मूवमेंट एक ही बात है, तो ये बस एक से दूसरे को माइनस करते जाएं, टोटल को ऐड करें, तो टोटल दोस्तों 632 मूव्स हमको करने पड़ेंगे। अब एक बार ध्यान देते हैं दोस्तों कि इस एल्गोरिथम के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो पहला एडवांटेज बड़ा ही लॉजिकल समझ में आता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। जी हाँ, बिकॉज बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और जैसा जिन लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर का आप समझ सकते हैं, एक सिंपल क्यू का यूज करके इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो दोस्तों इसको समझना इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। अगली बात बोल सकते हैं दोस्तों, नो स्टार्वेशन बट मे सफर फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट। तो ऑल्दो सीपीयू शेड्यूलिंग में ये बात हम अच्छे से करते हैं, दोबारा एक बार समझिएगा, क्या यहां पर स्टार्वेशन हो सकता है दोस्तों? तो देखिए स्टार्वेशन बोलना गलत होगा, स्टार्वेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में तब माना जाता है जब किसी प्रोसेस को इग्नोर करके मैं गलत तरीके से किसी दूसरे प्रोसेस को सपोर्ट करूं, जैसे प्रायोरिटी एल्गोरिथम होता है या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, वहां स्टार्वेशन होता है। बट यहां पर मान लीजिए अगर 67 बोले कि भाई हमारा नंबर तो सबसे बाद में आया, तो देखिए हम उसे बोल सकते हैं कि भाई देखो हमने आपका नंबर बाद में नहीं लगाया, अगर आपको रिक्वेस्ट पहले सेटिस्फाई करनी थी तो आपको लाइन पहले आके लगना चाहिए था, तो सिस्टम क्योंकि अपनी तरफ से अनबायस्ड है, तो इस वेटिंग को दोस्तों स्टार्वेशन का नाम नहीं दिया जा सकता है। बस ध्यान रखिएगा FCFS में हमेशा, चाहे CPU शेड्यूलिंग की बात भी करूंगा, यहां स्टार्वेशन नहीं होता, हम बोलते हैं यहां पर हो सकता है कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब क्या? ऑफ कोर्स भाई आपसे पहले जितनी प्रोसेस है अगर वो ज्यादा टाइम ले कम टाइम ले मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वो अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो जी हां, वेट तो आपको दोस्तों करना पड़ेगा, लेकिन इस वर्ड को हम स्टार्वेशन नहीं बोलते, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर दोस्तों स्टार्वेशन नहीं, एक एडवांटेज है एंड कैन बी यूज विद लेस लोड्स। एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, वैसे देखिए मूवमेंट्स यहां पे बहुत ज्यादा हुए हैं, बिकॉज एक मूवमेंट कहीं पे है फिर वो कहीं दूर मांग रहा है, तो आप पूरा का पूरा हेड लेके वहां जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। बट अगर लोड सिस्टम पे बहुत ज्यादा नहीं और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम है, तो इस तरह का सिंपल अरेंजमेंट भी जो है वो यूज किया जा सकता है, तो बोल सकते हैं लेस लोड में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बट डिसएडवांटेजेस आप सोच पा रहे होंगे बहुत सारे हैं। पहला, लॉजिकली रिक्वायर मोर सीक टाइम। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो क्यों? देखिए ये इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कि आपके आसपास जो रिक्वेस्ट है उसको पहले सेटिस्फाई करूं। जैसे एक अप्रोच हो सकती थी कि भाई करंटली है हम 53 पे, तो 41 या 65 या 67 पास में क्यों ना पहले उसको सेटिस्फाई कर लें। तो ये देखिए पहले गया 183 पे, फिर वापस आया 41 पे, फिर 122 पे गया, उसके बाद 124 सेटिस्फाई नहीं किया, फिर वापस आया, और इस तरह का सा इस तरह से ज्यादा मूव देखिए लॉजिकली इसको करने पड़े। बट खैर ये इसकी सादगी है, आप बोल सकते हैं सिंप्लिसिटी थी कि इसने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं तो उसी ऑर्डर में सेटिस्फाई करूंगा जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि हाँ यहां पर जो सीक टाइम है बार बार मूव करने में वो ज्यादा लगेगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट, मोर वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ये बात ठीक है, अगर ये बार बार मूव करेगा दोस्तों, तो जैसा हम जानते हैं कि हेड का जो मूवमेंट है उसको मूवमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, एक्चुअली फिजिकल मूवमेंट होता है, तो अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा मूवमेंट में, तो ऑफकोर्स ऐसा बोल सकता हूं कि रिस्पॉन्स करने में या प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम वो बढ़ने वाला है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और आखिरी बात बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, इनएफिशिएंट है। जी हां, बिकॉज लॉजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इस तरह से एल्गोरिथम्स लिखना कि जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं हम उसको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बट यहां पर देखिए काफी टाइम जो है हमारा वेस्ट हो रहा है, तो कंक्लूड करने से पहले समझ लेते हैं फिर इंप्रूवमेंट क्या किया जाए। तो एक बहुत बेसिक सी बात समझ आती है दोस्तों, जो समझ आती थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, माफ कीजिएगा सीपीयू शेड्यूलिंग में, वही लॉजिक आप लगाते हैं डिस्क शेड्यूलिंग में। वो क्या कि भाई फिर लॉजिकली जहां पर भी आपका हेड है पहले वो दोस्तों वो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करें जो हेड के पास होगा। तो अगर पास वाली रिक्वेस्ट दोस्तों हम पहले सेटिस्फाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर जो सीक मूवमेंट्स होंगे वो FCFS के कंपेरिजन में काफी कम हमको करने पड़ेंगे। तो यही दोस्तों हमारे अगले एल्गोरिथम का नाम है जिसको बोलते हैं SSTF या फिर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो आइए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूं SSTF का क्या अप्रोच है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं SSTF के पूरे मायने क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।